मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और जो बोलते हैं कि भाई उनको समलिंगी आ सकती है, मतलब होमोसेक्सुअलिटी। वो आते इसलिए है कि उनको घर से बहुत प्रेशर होता है कि उन्हें भी शादी करना चाहिए, मगर वो किसको बोलते नहीं है, या फिर शादी ज़बरदस्ती कर लेते हैं मगर उनके उनके पत्नी के तरफ कोई आकर्षण रहता नहीं है और वो संबंध प्रस्तावित करते नहीं और डाइवर्स या तलाक की मतलब नौबत आती है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी की रहती है, वो बायसेक्सुअल है, मतलब पत्नी के साथ में भी संबंध रखते हैं और होमोसेक्सुअलिटी में भी मतलब समलिंगी भी संबंध वो रखते रहे, मगर प्रॉब्लम इसलिए आता है कि समलिंगी संबंध रखने के बाद में पत्नी के साथ में कम संबंध होते हैं, इसलिए घर में प्रॉब्लम आता है। कुछ लोगों को ऐसा चाहत रहती है कि नहीं, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, मगर लोगों को मालूम हो गया भी मेरे को ठीक होने का है, इसलिए कुछ आते हैं। मतलब ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं। तो इसमें कुछ लोग एक्टिव पार्टनर रहते हैं कि जो खुद सेक्स करेगा, या कुछ लोग पैसिव पार्टनर रहते हैं, मतलब वो सेक्स करवा के लेगा। इनके अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं और ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता, क्योंकि ये कहीं भी मिल लेते हैं, बगीचे में मिलेंगे, कहीं और कहीं मिलेंगे, मतलब वो सांकेतिक भाषा उनकी रहती है, उनके व्हाट्सएप के ग्रुप है, फेसबुक के ग्रुप है। और होता क्या है कि दो लड़के लोग समझो एक कमरे में कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो सेक्स कर रहे की बातें कर रहे हैं, लोगों को घर के मालूम पड़ता नहीं, इसलिए वो बाहर दिखता भी नहीं, मालूम भी नहीं पड़ता। तो सेक्स ओरिएंटेशन जो है लोगों का वो है सेम सेक्स के तरफ, मतलब लड़का लड़की के तरफ, लड़की लड़की के तरफ। जब पुरुष पुरुष के तरफ आकर्षित होता है और उसको ज़्यादा वहाँ मतलब वही करने की इच्छा होती है, अट्रैक्शन होता है, वही करने की इच्छा होती है उसके साथ में, तो उसको गे ऐसा बोला जाता है। और जब लड़की लड़की के साथ में, मतलब स्त्री स्त्री के साथ में जिसका आकर्षण रहता है, उसको लेस्बियन कहा जाता है। तो ये मालूम ही नहीं पड़ता बाहर लोगों को, मगर बहुत प्रमाण में है। मतलब मेरे पास में तो जो इंडियन गवर्नमेंट में जो 2012 के आंकड़े जो दिए हुए हैं, वो है कि 25 लाख लोग इंडिया में, ऐसा बोला है। मतलब ये तो लगता है बहुत ही कम है फिगर, क्योंकि 25 लाख कुछ भी नहीं 120 करोड़ के पॉपुलेशन में, मगर ये बाहर नहीं आता, बाहर लोग, ये तो अधिकृत आंकड़े जिन्होंने खुदों की रिपोर्ट किया हुआ है कि हम गे है या लेस्बियन है, ऐसा जिन्होंने रिपोर्ट किया वो लोग है, बाकी तो मालूम रहता नहीं, वो तो अननोन ही है, कितने मालूम नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा होगा फिगर ये। जैसा यूनाइटेड किंगडम में, मतलब इंग्लैंड में 1% है, तो मेरा ऐसा अंदाज है कि हमारे यहाँ यदि 1% हम बोलते हैं तो 120 करोड़ में 1 करोड़ 20 लाख लोग कम से कम गे होना चाहिए मिनिमम। अभी इसमें होता क्या है कि जैसा अभी हमारे देश में इंडियन पिनल एक्ट, मतलब इंडियन पिनल कोड जो है, तो 377 इसके अंतर्गत सेम सेक्स के व्यक्ति के साथ में यदि संभोग वो करता है तो वो गुनाह है और उसकी सजा होती है। हमारे जो हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल्स जो है वो 14, 15 और 21 जो है, उसमें ऐसा मूलभूत अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी हर एक को दिया हुआ है। यदि राइट टू प्राइवेसी है 14, 15 और 21 के अंतर्गत, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है किसके अंतर्गत, फिर सेक्स ओरिएंटेशन जो है वो पर्सनल इशू है, और ये इंडियन पिनल कोड 377 जो है, धारा 377, इसमें फिर से हियरिंग होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बेंच बिठाया हुआ है कि भाई इसमें हियरिंग होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला हुआ है कि भाई होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसका हियरिंग होना चाहिए, और यदि वो हियरिंग होता है तो फिर हो सकता है कि इंडिया में भी ये जो इसकी सजा होती है या गुनाह माना जाता है वो नहीं माना जाएगा। सेम सेक्स कपल जो है वो हमारे यहाँ मैरिज नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, उनकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली 2018 में ऐसा बोला है कि हम रिकंसिडर करेंगे, एक बार पुनर्विचार करेंगे इसको लीगलाइज करने का, सेम सेक्स मैरिज का। तो यदि ऐसा होता है तो फिर एक अलग ही दिशा हमारे समाज को मिल जाएगी। काफ़ी सारी कंट्रीज है, मतलब 76 कंट्रीज है दुनिया में, अपने को जो नॉलेज है वो हिसाब से, कि इसमें
सेम सेक्स जो है वो इलीगल है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज है बहुत सारी, साउथ अफ्रीका की कंट्रीज है, फिर उसमें अफगानिस्तान, फिर हमारे आशियन कंट्रीज में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, हमारा देश है इंडिया, ईरान, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, और यूनाइटेड स्टेट्स में करीब करीब 11 स्टेट्स ऐसे कि जहाँ इलीगल है, मतलब ऐसा भी नहीं कि अमेरिका में इलीगल है, 11 स्टेट्स में इलीगल है। अभी इसके लिए लोग जब ट्रीटमेंट को आते हैं तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, मतलब ऐसी कोई गोली नहीं है कि कोई आता है कि नहीं मेरे को तकलीफ हो रही है, अभी मेरे को शादी करने का है। अभी मेरे पास में एक व्यक्ति आया था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, समाज में बहुत जाना पहचाना है, और उसकी उम्र करीब करीब 32-33 ईयर्स है। एक बार शादी हो गई, मगर सेम सेक्स होमोसेक्सुअलिटी थी, औरत के साथ में वो संबंध नहीं रखता था, तो उसने तलाक ले लिया, डाइवर्स हो गया। अभी बोलता है कि नहीं अभी मुझे शादी करनी है फिर से, और अभी मुझे मतलब पार्टनरशिप में रहना है, शादी करनी है, अपोजिट सेक्स से आपने शादी करनी है, और मेरा जो ओरिएंटेशन है, सेक्स ओरिएंटेशन, वो बदलने का है, मतलब ब्रेन को बदलने का है, अभी ब्रेन के जो पैटर्न है उसको बदलना पड़ेगा। तो जब उसकी खुद की इच्छा है तो फिर हम बदल सकते हैं ब्रेन पैटर्न को, क्योंकि बार 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 विजुअलाइजेशन और हैमरिंग करके उसका जो ब्रेन पैटर्न है बदल सकता है, जब उसकी इच्छा है तो। और उसकी इच्छा ही नहीं है और ज़बरदस्ती किसको लाया तो होता नहीं है, फिर उसका कुछ नहीं हम कर सकते, उसके लिए कोई दवाई भी नहीं है। और समझो अभी हमारे देश में यदि लीगलाइज हो गया तो फिर तो सेम सेक्स से यदि शादी करेंगे, साथ में रहेंगे, तो फिर प्रॉब्लम ही आएंगे ना, कोई आएंगे नहीं। अभी क्या है कि चुपके चुपके सब कुछ होता है। तो ये होमोसेक्सुअलिटी का मतलब समलिंगी आसक्ति या समलिंगी का प्रॉब्लम्स। काफ़ी सारे लोग जो है वो मुझे संपर्क करते रहते हैं यूट्यूब चैनल में, मैंने जब इसके बारे में पहले भी कुछ वीडियो डाले हैं तो काफ़ी सारे लोग संपर्क करते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं कि हमको छुटकारा पाने का है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनको प्रॉब्लम यदि होता है कि नहीं भाई मुझे अच्छा होने का है, मुझे अच्छा एस्टेब्लिश करना है मुझे खुद को अपोजिट के साथ में, तो फिर अपन उसका इलाज भी कर सकेंगे, और यदि वो खुश है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो उसमें खुश है, होमोसेक्सुअलिटी में खुश है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर अभी आज के दिन वो हमारे देश में इलीगल है, इतना पक्का है। आपको अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करो, उसके बाद में घंटी का चिन्ह आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। अब शेयर करो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और एडिक्शन फ्री इंडिया, व्यसन मुक्त भारत। तो इसमें भी आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।